ये 32 इंच एलईडी टीवी है, इसमें फॉल्ट क्या है देखिए, ये बैकलाइट सही से आ रहा है लेकिन कोई पिक्चर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है देखेंगे। पहले मैंने बैक कवर को ओपन कर लिया, इसका मदरबोर्ड है, ये CSOT का पैनल यूज़ किया है। मैं वोल्टेज को चेक करना है, देखिए इधर 12 वोल्ट सही से, हाँ देखिए 12 वोल्ट सही आ रहा है, और इधर 12 वोल्ट नहीं, इधर देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब फ्यूज ओपन है। फ्यूज ओपन होने का मतलब क्या है, आउटपुट में कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, कोई PF या BDC IC शॉर्ट होने से ये फ्यूज उठता है। पहले हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे, देखिए इधर शॉर्टिंग है, ये PF शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है PF शॉर्ट है, ये इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है का मतलब है इसमें DC-DC IC या PF कोई भी शॉर्ट हो सकते हैं। देखिए इधर भी शॉर्ट है, देखिए इधर ये PF भी शॉर्ट है, देखिए ये PF भी शॉर्ट है, ये PF भी शॉर्ट है, लेकिन कहाँ पर शॉर्ट है ये देखना है। ये PF नहीं शॉर्ट है, ये सही है, ये PF भी सही है, इधर कोई शॉर्ट नहीं है, देखिए इधर कोई शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट को रिमूव करने के लिए शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे, मैंने एक शॉर्ट किलर बनाया है, ये शॉर्ट किलर 3.7 वोल्ट की है और 3800 मिली एम्पियर की है, यानी कि वोल्टेज कम और एम्पियर ज़्यादा है। आज हम ये शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे, इधर पहले थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे कुछ सेकंड में ये पेस्ट पिघलने लगेगा, तब समझ आएगा कहाँ शॉर्ट है। तो मैंने इधर ये जो नेगेटिव है यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये पॉजिटिव है, इसको हम फ्यूज के आउटपुट में शॉर्ट करके देखेंगे। ये आउटपुट है इधर, हाँ देखिए 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 PF से धुआं निकल रहा है, देखिए PF से धुआं निकल रहा है, यानी कि वो जो पेस्ट लगा हुआ था वो पिघल गया। हाँ देखिए PF खुद ही उठ गया, यानी कि ये PF शॉर्ट था। ये PF शॉर्ट होने की वजह से ये फ्यूज जल गया था, इसलिए सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। तो एक बार हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे, देखिए और कोई शॉर्ट नहीं है, टोटली शॉर्ट रिमूव हो गया। अब हम इस फ्यूज को रिप्लेस कर देंगे, उठा लिया। अब दूसरा फ्यूज इधर हम सोल्डरिंग करेंगे, एक दूसरा फ्यूज है, एक बार हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे ये फ्यूज की, क्योंकि ये फ्यूज भी खराब हो सकता है। हाँ सही है, कंटिन्यूटी सही आ रहा है, तो देखिए वोल्टेज सही आ गया, 12 वोल्ट सही है और 3.3 को देखना है। हाँ देखिए 3.3 वोल्ट सही है,
इसके बाद देखना है एवरीडी वोल्टेज, इधर है ये एवरीडी वोल्टेज है। हाँ देखिए एवरीडी वोल्टेज सही आ रहा है। इसको देखिए एच एबिलिटी, हाँ एच एबिलिटी सही है। और एक बार देखिए, हाँ देखिए एच एबिलिटी सही से आ रहा है। और वी जी एच, ये वी जी एच है, हाँ वी जी एच वोल्टेज भी सही आ रहा है। यानी कि सारे से सारे वोल्टेज सही से बन रहा है, पिक्चर भी आना चाहिए। तो एक बार देखेंगे, हाँ देखिए नो सिग्नल आ गया, यानी कि टीवी ओके हो गया। तो हम एक बार सिग्नल देके देखेंगे पिक्चर कैसे बन रहा है। मैंने सिग्नल दे दिया, अब देखना है। हाँ देखिए पूरा पिक्चर सही हो गया, देखिए पूरा ओके हो गया। सिर्फ एक पीएफ शॉर्ट होने से ये पिक्चर बंद हो गया। और पीएफ को मैंने निकल दिया, पूरा टीवी सही हो गया। और ये पीएफ 500 करने के लिए मैंने एक शॉर्ट किलर यूज किया है, जो मैंने खुद बनाया है।